अभी हालिया गुज़िश्ता दिनों में दिवाली को सेलिब्रेट किया गया और पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया गया, हर कंट्री में उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया। यूएई की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ना सिर्फ नॉन मुस्लिम्स बल्कि मुस्लिम्स ने भी अपने घर के अंदर लाइटिंग की और उसको गैर मुस्लिमों और मुसलमानों ने साथ मिलकर जो है एक भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। यूएई जो है वो आधा हिंदुस्तान बन चुका है और आने वाले वक्त में एक मुकम्मल हिंदुस्तान बनने जा रहा है। अभी रिसेंटली दिवाली गुजरी है जिसे पूरी दुनिया के अंदर मतलब सेलिब्रेट किया गया है। यूएई में भी उसे बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया गया, इवन के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी मतलब उसको डेकोर किया, लाइटिंग वगैरह की अपने उसके अंदर। तो पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर ये पॉइंट उठाया कि अगर देखा जाए तो दुबई एक आधा हिंदुस्तान बन चुका है और आने वाले वक्त में ये कहना ठीक होगा कि दुबई एक मुकम्मल हिंदुस्तान होगा। दुबई के शेखों ने बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है। हम बिल्कुल इंडियन ट्रेंड ही फॉलो कर रहे हैं, वो बस हम हमारी नलायकी समझ लें या हमें। दोस्तों, अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दीपावली देश भर में धूमधाम से मनाई गई। तो यहाँ आज आपको दिखा रहे हैं दुबई की दिवाली। सबसे पहले हम जा रहे हैं दुबई के नए हिंदू टेम्पल जो की जबल अली में बना है गुरुद्वारा के साथ, क्योंकि अगर दिवाली की शुरुआत भगवान की पूजा के साथ हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर के बाहर का नज़ारा किसी इंडियन मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो लोग बाहर ही जूते निकाल कर अंदर लाइन में लग रहे हैं, अंदर पूजा के लिए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दो लाइनें बनाई गई हैं, एक फैमिली के लिए और एक सिंगल्स के लिए। चाहे जापान हो, अमेरिका हो या फिर मॉरिशस हो, आदि देशों में बड़े ही उत्साह के साथ दीपावली को मनाया गया। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया हिंदूमय हो गई है, यहाँ तक कि अरब देश भी इससे पीछे नहीं रहे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा यह मंदिर बिल्कुल नया है और स्पेशली दिवाली के दिन इसको अच्छी तरह सजाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये गेट है और इस पर कितने सारे फूल लगाए गए हैं, ऊपर सीलिंग को भी फूलों से सजाया गया है, तो यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है और स्पेशली दिवाली के दिन यहाँ पर आए हैं तो दिवाली का मजा दुगना हो गया है। पर सिर्फ एक बात है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो लाइन बहुत लंबी है, हमको कम से कम 30 मिनट का टाइम लगा लाइन में लगने के बाद। वो अपने आप को एक ग्रोइंग जो है नेशन शो करके आगे आ रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जो हम अपने आपको बैकवर्ड दिखा रहे हैं, हम जो है अपने हमारे जो आपस के जो मसले हैं यही ख़त्म नहीं हो रहे। जब तक हमारे आपस के मसले नहीं खत्म होंगे, जब तक हम सेम पेज पर नहीं होंगे, हम इस तरक्की नहीं कर सकते। हमारे जो पाकिस्तान का जो यार जो इमेज है ना वो अच्छी नहीं है दुनिया में, ग्लोबली अच्छी इमेज नहीं है पाकिस्तान की। हमारे जी एक जो है ना अन जो अच्छी अच्छी नेशन में हम लोग नहीं आते। जो अगर ये सही हो गया सर, तो बात की जाए शादी ब्याह की तकरीबात की, तो उसमें हम किस तरह लिंक करते हैं उन लोगों के साथ? नहीं, लिंक नहीं करते हम लोग, वो बिल्कुल ही उनके रस्मों और रिवाज अलहदा है उनकी, हमें नहीं, चूँकि वैसे दोस्त हो। आजकल की जो शादियां हो रही हैं तो उसमें तो हम बिल्कुल इंडियन ट्रेंड ही फॉलो कर रहे हैं, वो बस हम हमारी नलायकी समझ लें या हमें इस्लाम से दूरी समझ लें। को सजाया गया है, ये है यहाँ का फेमस होटल, इसके सामने यहाँ बड़ी पार्किंग है जहाँ पर ये फायरवर्क्स किया जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी उम्र के लोग यहाँ पर आकर फायरवर्क्स करते हैं। यार हम जो है इसको एक दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, एक से पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक से नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हमें जो है ना इंडियंस अपने नेबर्स से सीखना चाहिए कि कैसे वो खुद को प्रमोट करें, अपने कल्चर को प्रमोट करें, और नेगेटिव सेंस पे लेना चाहिए कि जो हमारा कल्चर है उसको जो है ना हम खुद डीमोटिवेट करते हैं। अब काफ़ी हमारे कुछ पाकिस्तानी लोग भी, इसके अलावा मुस्लिम लोगों ने होली सेलिब्रेट की क्यों की है, क्या वो लोग जो हैं फास्टिंग, जब हम होली में तो रमज़ान आते, क्या वो लोग फास्ट करते हैं हमारे लिए नहीं करते? जब जब भी हम इस जगह पर दिवाली मनाने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिया में ही दिवाली मना रहे हैं।
आप देख सकते हैं सिर्फ एक तरफ नहीं चारों तरफ यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं। घर वर्शिप हॉल भी है, आप यहाँ पर आ सकते हैं वर्शिप के लिए, प्रेयर करने के लिए, साधना करने के लिए। और ये सामने आप देखते हैं मंदिर की घंटियों को देखकर मन इतना खुश होता है। और अंदर आते हैं, ये है मंदिर का मेन हॉल। यहाँ पर आप सीलिंग देखते हैं कितनी अच्छी प्यारी सीलिंग बनाई गई है, और उसकी सीलिंग में देखो कमल का फूल जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और वैसे मंदिर के मेन एरिया में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ी सी वीडियो बना रहा हूं ताकि आप दर्शन कर सकें मंदिर कैसा है, मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां हैं। यहां पर बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां रखी गई हैं। You guys have been amazing. I can't wait to see you again next year. Please support us everywhere.